नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आईपीएल 2022 में बहुत कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। मैच 26 मार्च से शुरू हो चुके हैं। इस दौरान जब मेगा ऑक्शन हुआ तो उस दौरान टीमें बदल गई, कई टीम के कप्तान भी बदले, कई प्लेयर संन्यास ले चुके हैं। क्रिस गेल, एबीडी जैसे प्लेयर नहीं दिखाई दे रहे हैं और इसी बीच अब एबीडी की बात एक बार फिर से सामने आई है, क्योंकि उनका जिक्र किया है उनके सबसे जिगरी यार विराट कोहली ने। जी हाँ, विराट कोहली ने एक याद साझा की है एबीडी के बारे में और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किस तरीके से एबीडी के उस एक वॉइस नोट से मैं पूरी तरीके से सहम गया था। आपको बता दें कि आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से ठीक पहले एबीडी ने यह फैसला लिया था कि वो अब संन्यास लेंगे और किसी भी तरीके की फ्रेंचाइजी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, जिसकी वजह से वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम से भी बाहर हो गए। और हम सभी जानते हैं कि एबीडी और विराट कोहली की कितनी बनती थी, पार्टनरशिप भी अच्छी करते थे, बल्लेबाजी भी अच्छी करते थे और आरसीबी ने जितने मुकाबले जीते उसमें लगभग 80% योगदान इन्हीं प्लेयर का हुआ करता था और इनका याराना भी शानदार था। ऐसे में विराट कोहली ने उस वाक्यों को याद किया है जब एबीडी ने संन्यास लिया और विराट को यह संदेश भेजा, और ये बात है T20 विश्व कप 2021 के बाद की। दरअसल भारत लीग स्टेज से बाहर होकर वापस आ रहा था, उसी दौरान विराट के मोबाइल पर एक वॉइस नोट आता है कि वॉइस नोट था एबीडी उनके यार का, और उसमें जब विराट कोहली उस वॉइस नोट को सुनते हैं तो उसके बाद अपनी पत्नी अनुष्का को देखते हैं और जब वो ये बात उनसे बताते हैं तो वो भी शॉक्ड रह जाती हैं। विराट कोहली ने पूरे वाक्य का जिक्र करते हुए कहा, ये काफ़ी अजीब है, मुझे अभी भी याद है जब उन्होंने संन्यास लिया था उन्होंने मुझे एक वॉइस नोट भेजा था। हम उस वक्त दुबई में वर्ल्ड कप खेल कर आ रहे थे और मुझे एक वॉइस नोट मिला। मैंने जब इसे खोलकर सुना तो उस वक्त अनुष्का भी मेरे साथ थे। मैंने उनकी तरफ देखा और उनका रिएक्शन था क्या। मैंने अनुष्का को वो मैसेज दिखाया और उसका पहला रिएक्शन यही था कि प्लीज़ ये मत कहो। वो काफ़ी अजीब फीलिंग थी हमारे लिए, मैं काफ़ी इमोशनल हो गया था और वॉइस नोट भी काफ़ी भावुक कर देने वाला था। डिविलियर्स मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ खड़े रहे हैं। तो विराट कोहली के इस जो याद है साझा की है उससे आप समझ सकते हैं कि एबीडी और विराट कोहली का याराना कितना गहरा था और किस तरीके से वो एक दूसरे को मानते थे और किस तरीके से उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को सफलता भी दिलाई थी। हालांकि कभी ट्रॉफी नहीं जीता पाए, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जब मुकाबले जीतती थी तो इन दोनों का उसमें अहम योगदान होता था। फिलहाल एबीडी के उस संन्यास पर विराट ने यही कहा है कि उस वक्त जब ये मैसेज मिला था तो मैं सहम गया था और इस बात को अनुष्का भी नहीं मानना चाहती थी। फिलहाल अब आईपीएल की शुरुआत हो चुकी है। फाफ डु प्लेसिस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान बन चुके हैं। विराट कोहली इस टीम में बतौर बल्लेबाज खेल रहे हैं और पूरी तरीके से लीग आगे बढ़ रही है। लेकिन इस बीच विराट कोहली ने जिस तरीके से खुलासा करते हुए एबीडी का जिक्र किया और वो कहानी बताई है, उस किस्से को शेयर किया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।